अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले। राजानी पुत्र आओ। आइए, झुकिए मैडम जी। आओ, सी। प्रसाद दिया है मैडम जी, उपलों का इंतजाम हो गया। I don't believe this. दुनिया यहाँ पढ़ लिख कर चांद पर पहुंच रही है और तुम हो कि एक गाय के गोबर के उपलों में फंसी भी हो। Disgusting. चूल्हा एलपीजी गैस से जले जहाँ गोबर के उपलों से, ज्यादा जरूरी ये है कि आज वो ब्राह्मणों और इस घर के लोगों का पेट भरेगा। माफ कीजिए दादी, मैं आपसे बिना पूछे गौ माता यहाँ लेकर आ गई, आपको बुरा तो नहीं लगा ना? इसमें बुरा मनाने वाली क्या बात है पुत्र, मैंने और तेरे बीजी ने पूरी जवानी पिंड में बिताई है, हमारी तो यादें ताजा हो गई। मुझे तो फकर इस बात का है पुत्र कि आज तेरी पहली रस्म और इतनी बड़ी मुसीबत होने के बाद भी तूने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि तूने उसमें से निकलने का हल ढूंढ लिया है। आप सब लोग अंदर जाइए, मैं सारा इंतजाम करती हूँ। खाने में क्या क्या बनने वाला ये सब मालूम है ना तुझे? 7 ब्राह्मणों के लिए सात्विक खाना बनाना है, जिसमें साबूदाने की खीर, आलू गोभी की सब्जी और साथ में पूरी, और वो भी पूरी शुद्धता के साथ। जब गौ माता खुद मेरे साथ है तो शुद्धता की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है मम्मी चाची, और वैसे भी मैंने बहुत से आश्रमों में ना सात्विक तरीके से खाना बनाया है। पता है दालचीनी, एक माँ की ख्वाहिश होती है कि उसकी बेटी उससे भी काबिल हो, इसलिए आज जब तू परजाई जी से भी ज्यादा स्वाद खाना बना के ब्राह्मणों को खिलाएगी तो वो तेरी वाह वाही तारीफ तो करेंगे ही। तब सोच परजाई जी को कितनी खुशी, कितना सुकून मिलेगा, है ना परजाई जी? काम हो गया, दिखा। चल इसको गोभी में डाल दे, ठीक है? किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। चल 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 चल। अरे वाह कुड़िये, तूने तो सब काम फटफट से खत्म कर लिए, लेकिन ये उपले तो अभी गीले हैं ना, तो ये गीले उपले तो जलने से रहे कैसे करेगी? ये खराब हो गया, इसमें से गर्म हवा आ रही है, ये पकड़ो, ये क्या है? ये इसे हेयर ड्रायर कहते हैं, इससे बाल सुखाते हैं। इसका भी उपाय है मेरे पास चाची। आलू गोभी के लिए गोभी तो है नहीं, कहाँ से लाऊं? अरे तू टेंशन क्यों ले रही है, कुछ काम हमें भी करने थे, हम ला देते हैं ना गोभी।
चल दिव्या इसे गोभी दे। बात तो है लड़की भाई, कुछ बात नहीं है दार्जी, और मुझे तो अब तक विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरी शादी एक ऐसी लड़की से हो गई है जिसकी खुशी गोबर में है। तुझे सिर्फ गोबर दिखाई दे रहा है? अरे जहां से मैं देख रहा हूं, मुझे तो उस लड़की में एक ऐसी लड़की दिखाई देती है जो कभी भी किसी भी हालात में हार नहीं मानेगी। मैं जानता हूं पुत्र, तो हमेशा चाहता था कि तेरी शादी किसी ऐसी लड़की के साथ हो जो तेरे से ऐसी मॉडर्न हो, बिजनेस में दिलचस्पी रखती हो, पर अब तो रब है उसके फैसले हमेशा हमारे भले के लिए होते हैं। तुम मेरे और अपनी बीजी के साथ ही देख लो, सुहाग रात से पहले मैंने तेरी बीजी का चेहरा तक नहीं देखा था, और आज 55 साल हो गए हमें खुशी खुशी एक साथ रहते हुए। आपका जमाना अलग था दार्जी, आजकल ये सब नहीं चलता है। आजकल कंपैटिबिलिटी होना बहुत जरूरी है, और मुझे ये पता है कि हम दोनों ना बिल्कुल अलग हैं। मुझे नहीं लगता दार्जी कि हम दोनों की शादी कभी टिक पाएगी। मुझे हमारे रिश्ते में कोई फ्यूचर नजर नहीं आता। दार्जी बात, तुम मुझसे शर्त लगा ले अमनजोत, प्यार तो इन दोनों के बीच में अब शिद्दत वाला होने वाला है। शाबाश, मैं भी तो देखूं ये नौकरानी सात्विक खाना कैसे बनाती है। ठीक से ढाक किसे कोई देख ना ले, ठीक से ढाक। मॉम, कुछ चाहिए था बेटा? हाँ, वो पानी चाहिए था। भाई को पानी दे नीली। ये क्या? क्या? क्या चाहिए तुझे? मुझे बोलना, मैं देती हूँ। बेसन के लड्डू आपके हाथ के हैं? हाँ बेटा। ओ मॉम, आपके हाथों में आज भी वही स्वाद है। कितना तरस गया था मैं लड्डू खाने के लिए। कनाडा में कहाँ मिलते हैं ये वाले बेसन के लड्डू? बहुत स्वाद बने। थैंक्स बेटा। भैया को पानी दे। थैंक यू नीली, थैंक यू। और कुछ नहीं? एक और, एक और ले। अमेजिंग मॉम, थैंक यू। नीली, गोभी का थैला दे दे। ये ले, गोभी भी आ गई। चाची,
हे भगवान, सारी गोभियों में तो कीड़े लगे हुए, अब सात्विक खाना कैसे बनाऊं मैं बाबा जी? अब देखिए दालचीनी दंगल प्ले पर टीवी से पहले।